लालकुआ शासन के दिशा निर्देश पर बढ़ती ठंड को देखते हुए उप जिलाधिकारी द्वारा आज लालकुआ के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 स्थित अस्थायी रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने रैन बसेरे में गरीब असहाय राहगीरों तथा दूर दराज से आने वाले यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए दिशा निर्देश मौजूद कर्मचारी को दिए गए। साथ ही उन्होंने समुचित व्यवस्था को देखते हुए गद्दा रजाई और कंबल की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई करने व रैन बसेरे में बेड बढ़ने के निर्देश भी दिए। उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने पटवारी मनोज रावत व नगर पंचायत कर्मी दीपचंद्र लोहनी के साथ रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने स्वयं सारी व्यवस्थाएं देखी तथा रैन बसेरे में रुकने वाले यात्रियों या गरीब असहाय व्यक्तियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह और शाम सफाई व्यवस्था के उचित दिशा निर्देश के साथ साथ कोविड-19 के दृष्टिकोण को देखते हुए रैन बसेरे में ठहरने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए स्वास्थ्य कर्मचारी को निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने चिकित्सा संबंधी वाहन भी तहसील में उपलब्ध कराए। इन समय स्टार्ट हो गया है और जो रैन बसेरा है हमारे ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, जो रात बिरात सफ़र कर रहे हैं, इसके लिए आज मेरे द्वारा यह निरीक्षण किया गया है और इसमें कुछ और भी बेड लगवाने के लिए इनसे बोला है। उसके अलावा अलाव की व्यवस्था भी की गई है, कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर अलाव जो है शुरू किया जाएगा और कुछ जगह पर आज से ही जलाया जाएगा। और हम लोग की कोशिश यही है कि किसी तरीके से सर्दी में जो हमारे असहाय और इस तरीके के लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना होने पाए। देखिए उसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन ने अलर्ट है, हमारे स्तर से एक उसमें वाहन भी एक्वायर किया गया है और हमारे मेडिकल इंचार्ज है वो भी इसके लिए पूरी तरीके से जागरूक हैं। इन लोगों की थर्मल स्कैनिंग होगी और अगर ऐसा कोई सिम्टम आता है तो उसको तत्काल शिफ्ट करा दिया जाएगा। तो कूड़ा निस्तारण की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए फ़िलहाल नगर पंचायत ने किराए पर एक लैंड चयनित कर ली है जिसमें उनके द्वारा बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है। शीघ्र ही कूड़ा वहाँ वो डालना स्टार्ट कर देंगे और हमारी जो राजस्व की टीम है उसने भी 2-3 स्थान चिन्हित किए हैं जिनमें मेरे द्वारा आज निरीक्षण किया जा रहा है और शीघ्र ही हम लोग कोई स्थान उसमें चयनित कर लेंगे।